सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइक्रान, आप देख रहे हो माइनी गेमर। तो आज मैं 30 मिलियन डॉलर्स को स्पेंड करने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास करीब करीब 30 मिलियन डॉलर्स है। बस 7 लाख कुछ अगर मिल जाएंगे तो हो जाएंगे पूरे 30 मिलियन डॉलर्स। इस लैम्बोर्गिनी को बेच दूंगा तो पूरे हो जाएंगे। वैसे तो अभी आप देख सकते हो एक डॉज वाइपर आया है, तो आप सब लोगों को याद होगा ही पिछले वीडियो में मैंने 2 डॉज वाइपर को हार गया था। तो अभी मेरे पास तो इसके साथ रेस करने के लिए कोई डॉज वाइपर तो है नहीं, तो जब मिलेगा तब रेस करेंगे इसके साथ। तो आज का गोल मेरा यही है कि मेरे को 30 मिलियन डॉलर्स को स्पेंड करना है, लेकिन सबसे पहले 30 मिलियन डॉलर्स बना लेते हैं। अभी सिर्फ एक ही गाड़ी को बेच दूंगा तो आई थिंक कम्प्लीट हो जाएंगे। इस लैम्बोर्गिनी को मैं सेल पे लगाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने 5 निशान GTRs को जीता था। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर लिया। देख सकते हो मेरे 5 निशान GTRs को जीता है, बहुत मुश्किल से जीता है। वैसे तो मेरा गोल तो 10 निशान GTR का था, लेकिन ये इतना ज्यादा मुश्किल बन गया कि मेरे को 5 में ही रोकना पड़ा। फिर भी मैंने बोला कि उस वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं पूरे 10 निशान GTRs को कलेक्ट कर लूंगा, लेकिन वो तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट को लेकर आ गया हूँ 30 मिलियन डॉलर्स का। वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक गाड़ी को सेल पे लगाया होता, ओके 2 लाख के करीब दे रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो इस गाड़ी को मैं निकाल देता हूँ, अभी तो मेरे को पैसों की जरूरत है, तो इसलिए मैंने इसे कम प्राइस में बेच दिया। अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी सेल पे लगा दिया, इसे मैं जैसे ही बेच दूंगा आई थिंक 30 मिलियन डॉलर्स कंप्लीट हो ही जाएंगे आराम से। ओके कुछ कस्टमर्स आ गए, इनसे बात करते हैं। ओके मैडम जी, आप कितने बता रहे हो? आई थिंक 5 लाख के करीब आया, बहुत ही कम प्राइस है। इनसे बात करता हूँ। यार ये तो उससे भी कम बोल रहा, भाई तुमको बेचना ही नहीं है, तुम इधर से जाओ। यार हमें पैसों की क्या जरूरत होगी, इन लोग तो बहुत ही कम प्राइस में बोल रहे हैं, इसको बेच दूं क्या? अरे नहीं यार, वेट करते हैं। चलो कस्टमर्स आ गए, वैसे भी इनसे बात करेंगे, देखेंगे कौन सा हाई प्राइस देगा तो उसको बेच देंगे। तो गाइस अभी मैंने गाड़ी को बेच दिया है, पूरे 30 मिलियन डॉलर्स अभी मेरे पास है। वैसे तो आज मंडे है, ना ही कार मार्केट ओपन है और ना ही ऑक्शन, तो आज तो हम कोई गाड़ियां तो परचेज नहीं कर पाएंगे, तो कल से गाड़ियां परचेज करेंगे, तो जाकर सो जाते हैं। ओके गाइस, आज तो कार मार्केट है, देखते हैं कि कौन कौन से बढ़िया बढ़िया गाड़ी आए हैं। तो मेरे को तो एक ऑडी दिख रहा है, चलो इनसे बात करते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत डैमेज्ड भी है, 40% डैमेज्ड है, 5 लाख के करीब बोल रहा भाई साहब, इतना ज्यादा हाई प्राइस। चलो ठीक है, 4,30,000 में दे दो आई थिंक। ओके मान गया, बहुत बढ़िया। चलो एक पोर्श भी आई है, इसे भी मैंने परचेज कर लिया, तो बाकी तो कुछ खास है नहीं, तो मैं इन गाड़ियों को परचेज नहीं करने वाला। मतलब जो भी सुपर गाड़ियां है ना उन्हें ही परचेज करने वाला, ऐसा नहीं कि मतलब पैसे खर्च करने तो सारे के सारे गाड़ियों परचेज नहीं करने वाला। मतलब जो भी सुपर गाड़ियां है ना उसी को मैं परचेज करने वाला हूँ। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों को रिपेयर कर देता हूँ। वैसे तो जब से अपडेट आया ना प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं रिपेयरिंग का भी। तो गाइस आज तो ऑक्शन है, चेक करते कि कौन कौन से गाड़ी आए हैं। भाई इधर तो कोई गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये तो खाली है भाई, सारे के सारे खाली है, एक भी गाड़ी मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आज ऑक्शन है ना यार, ऑक्शन है, ये तो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, 2 बजे ऑक्शन है कर दिखाई दे रहा, तो गाड़ियां क्यों नहीं दिख रहे यार, गाड़ियां दिखाई क्यों नहीं दे रहे यार। मैंने 2-3 बार चेक कर लिया लेकिन एक भी गाड़ी मेरे को नहीं दिख रहा, और आज ऑक्शन है, ऐसा नहीं कि आज ऑक्शन नहीं है, जब ऑक्शन नहीं रहता तब इस तरीके से दिखता है, लेकिन आज तो ऑक्शन है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये क्या है, लेडर बोर्ड वगैरह है क्या? अरे नहीं यार, इसमें परसेंट बताया जा रहा है। ओके फेरारी एफएक्स का 1% है मिलने का, मतलब मिलने का चांसेस है, लगता है गेम का अपडेट आया शायद, उसमें ये लोग फिक्स कर दिया, अभी गाड़ियां दिखना बंद कर दिया लगता है, शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। नहीं यार गेम का अपडेट आया, हाँ गेम का अपडेट ही आया, फिक्स कर दिया उन लोगों ने। अभी मेरे को ऑक्शन में बैठ कर ही देखना पड़ेगा कि कौन सा गाड़ी आ रहा है यार, लेकिन इसे फिक्स करने की क्या जरूरत है, इसे क्यों फिक्स कर दिया। पिछले वीडियो में तो निशान जीटीआर मैंने यही ट्रिक को यूज कर तो लिया था, तो आज ड्रैग रेस में भी कुछ खास गाड़ी तो आया ही नहीं। अभी तो इन दोनों गाड़ियों को मैंने कस्टमाइज कर लिया है, इनको शोरूम के अंदर रख देता हूँ, तो ऑक्शन तो स्टार्ट होने वाला है, देखते कि कौन कौन से गाड़ी आए हैं। वो भाई साहब, भाई फेरारी एफएक्स आ गया, वो भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया, भाई फेरारी एफएक्स आ गया, ये तो ऐसा आ गया मतलब कुछ पता ही नहीं चला, एकदम अचानक आ गया। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ऑक्शन को मिस करेंगे, अभी क्या ऑक्शन में वैसे भी उतना कुछ बढ़िया गाड़ी नहीं आता, लेकिन इधर तो फेरारी एफएक्स आ गया और इसे मैंने परचेज भी कर लिया, अभी भाई मजा आ गया। तो गाइस आज तो मेरे को फेरारी FXX मिल गया। भाई हर बार हमारा जो वीडियो स्टार्ट होता है ना लगभग मतलब हार से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मेरे को फेरारी FXX मिल गया। देखो भाई मजा आ गया आज तो, भाई 30 मिलियन डॉलर्स को स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या छोटे मोटे गाड़ी परचेज करेंगे क्या? परचेज करना है तो एकदम गेम का
टॉप गाड़ियों को परचेज करना है ना, तो गेम का जो टॉप गाड़ी है उसको मैंने परचेज कर लिया। अभी जल्दी से इसे कस्टमाइज भी कर देता हूँ। वो भाई भाई TCS ये कौन सा ही $1,00,000 मांग रहा भाई इसके लिए। वैसे तो मैंने लगा दिया भाई, इतना ज्यादा महंगा कर दिया यार इन लोगों ने। भाई ये क्या बोल रहा है, $3,00,000 पेंट के लिए? भाई पेंट करने के लिए तो $3,00,000 देगा? इतने में तो ऑडी आ जाएगा भाई। भाई किससे पेंट कर रहा है, गोल्ड से पेंट कर रहा है क्या भाई? $3,00,000 थोड़ी होता है। वैसे तो मैंने करवा लिया, अभी पेंट के बिना क्या ही मजा आएगा। चलो करवा ही देते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही प्राइसेस इन लोगों ने बढ़ा दिया है। तो गाइस आज तो वापस से ऑक्शन है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी दिख रहा है कि नहीं। तो कोई गाड़ी मेरे को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उन लोगों ने फिक्स कर दिया, अभी कोई गाड़ी हमको पीछे से नहीं दिखने वाली है। इस ट्रिक को यूज कर कितने लोगों ने आई थिंक कितना ज्यादा रेयर गाड़ी लिया था, लेकिन अभी ये ट्रिक अभी आगे से नहीं होने वाला है। चलो अभी ड्रैग रेस चेक करते, हो सकता है निशान GTR आ जाए। अगर निशान GTR आ गया ना तो इसी वीडियो में मैं 10 निशान GTRs को भी गोल कंप्लीट कर दूंगा। ओके निशान GTR तो नहीं आया। वैसे भी मेरे को $30 million को स्पेंड करने हैं, अभी तो मैंने सिर्फ $3 million को स्पेंड किया है। वैसे भी बहुत समय है, इतने में तो मैं आराम से 10 निशान GTRs को भी कलेक्ट कर दूंगा, दोनों गोल एक ही बार में कम्प्लीट हो जाएंगे। अभी तो अपने पास फेरारी FXX भी है, तो उसके साथ भी हम रेस कर सकते हैं। तो गाइस आज तो एक भी सुपर गाड़ी आया ही नहीं, तो मैंने एक भी गाड़ी को परचेज ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ सुपर गाड़ियों को परचेज करने वाला हूँ, इस छोटे मोटे गाड़ियों को परचेज नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं इन गाड़ियों को भी परचेज कर लूंगा तो चैलेंज थोड़ी सी जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें तो थोड़ी बहुत मुश्किल में करना है, तभी तो असली मजा आएगा ना। तो एकदम सुपर गाड़ियों को ही परचेज करेंगे। तो आज तो कार मार्केट ओपन है, कुछ सुपर गाड़ी आए हैं, इन्हें मैंने परचेज कर लिया। अगले दिन ऑक्शन से मैंने एक पोर्श को परचेज कर लिया। ओके गाइस आज तो कार मार्केट है, देखते कौन कौन से गाड़ी आए हैं। ओके एक लैम्बोर्गिनी आया है, इनसे बात करते हैं। 5 लाख भाई कितना ज्यादा प्राइस बोल रहा है, ऊपर से सेलिंग प्राइसेस भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, फिर भी इतना ज्यादा बोल रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं एक बार एक्सपर्टीज से बात करता हूँ। ओके तो रिपोर्ट जो है नॉट ओके है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो अभी कम करो भाई पहले। तो अभी प्राइस कम किया ना, अभी आ गया असली औकात पर। चलो अभी जल्दी से 4 लाख में गाड़ी को बेच दे। ओके बहुत बढ़िया इसने बेच दिया, काफी कम प्राइस में मिल गया वैसे तो। और बाकी तो कुछ खास है नहीं, इन छोटे मोटे गाड़ियों को मैं परचेज नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस आज तो मंडे, चेक करते कि कितना बिल्स आया अपना। $21 million नहीं $2 million का बिल आया। $2 million का बिल भाई, इतना ज्यादा? लगता मैंने बहुत दिन से इसे पे नहीं किया, शायद इसीलिए इतना ज्यादा बिल आया गया, लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी होता है। चलो ठीक है इसे मैं पे कर देता हूँ। वैसे भी अभी तो मैंने काफी सारे गाड़ियों को परचेज किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ $6 million ही स्पेंड हुए है। इसका मतलब ये टारगेट पूरे होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। एक और चीज ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुपर गाड़ियां ही परचेज करने वाला हूँ, तो उसमें और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुपर गाड़ियां तुमको हर बार मिल जाता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मुश्किल हो रहा है। तो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, तो जितना गाड़ियों हो सकता है उतना गाड़ियों को मैं परचेज कर लेता हूँ। तो अभी मैं जो भी गाड़ियों को परचेज कर रहा हूँ ना, वो इधर लाइन पे लगा दे रहा हूँ। मैं बस 4 गाड़ियों को भी परचेज करने वाला हूँ, मतलब पोर्श, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और ऑडी, इन 4 सुपर गाड़ियों को ही परचेज करने वाला हूँ, और बाकी जो भी गाड़ियां मिलते ना उन्हें परचेज नहीं करने वाला हूँ। यार मैं तो नेबरहुड में गाड़ियों को परचेज करने के लिए आया हूँ, लेकिन इधर एक भी गाड़ी मेरे को नहीं दिखा दे रहा, ये क्या हुआ भाई? अभी ये लोग भी गाड़ियां बेचना बंद कर दिया क्या? ऐसे तो ये लोग गाड़ियां बेचेंगे ना, ये बंद क्यों कर दिया? ये क्या हो रहा है इस गेम में, क्या क्या नया नया अपडेट इन लोगों ने लेकर आ गया? मेरे हिसाब से तो पहले ही ठीक था। तो गाइस आज तो एक सुपर आई है, कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आप बस एक टायर को आगे लेकर जाओ और आप एक ग्लिच की वजह से आराम से उस गाड़ी को जीत जाओगे, तो वही चेक करने के लिए मैं इसके साथ रेस कर रहा हूँ, देखते हैं। ओके अभी बस रेस स्टार्ट होने ही वाली है, मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। चलो 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 आगे, मैं लाइन के आगे पहुंच जाता हूँ। यार ये क्या हो गया, वो गाड़ी निकल कैसे गया? वो कंप्लीट भी कर दिया भाई इतना जल्दी? भाई रॉकेट वॉकेट लगाया क्या, इतना जल्दी कैसे पहुंच गया भाई? इसने अभी बस जाने के लिए बोला था, वो गाड़ी पहुंच भी गया भाई। रेस स्टार्ट हुआ ही नहीं, उसका खत्म हो चुका है। ये क्या हो गया भाई, रॉकेट वॉकेट कुछ लगा के हुआ क्या था एक्चुअली? मेरे हिसाब से उसको पक्का पैनल टाइम लगेगा। देखो नहीं भाई, 0.2 सेकंड में उसने रेस को कंप्लीट कर दिया। तुम देख सकते हो भाई 300 की स्पीड, भाई इतना स्पीड तो निशान GTR का भी नहीं होता है। ये क्या हो रहा है इस गेम में भाई, 300 की स्पीड? भाई 300 की स्पीड फिर भी ठीक है, क्योंकि निशान GTR का उतना होता है, लेकिन 0.2 सेकंड्स में उसने कंप्लीट कर दिया। ओ भाई
और ऊपर से इन लोगों ने गाड़ी भी ले लिया। भाई ये तो बिल्कुल बदतमीजी है भाई, उसने रेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया। 0.2 सेकंड्स में कौन रेस खत्म करता है भाई, 0.2 सेकंड्स में उसने रेस कंप्लीट कर दिया। उसने तो निशान जीटीआर को किया, उससे भी ऊपर गाड़ी को बीट कर दिया उसने। 300 की स्पीड थोड़ी होता है, 300 की स्पीड फिर भी ठीक है, लेकिन 0.2 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया उसने। भाई उतने मार्जिन से तो रेस जीते जाते हैं, रेस कंप्लीट नहीं किए जाते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, अभी एकदम सीरियसली गाड़ियां परचेज करने लगते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो $24 million है अभी मेरे पास, बहुत सारे पैसे है, तो बहुत सारे गाड़ियों को परचेज करना है। बातचीत अभी नहीं करते हैं, अभी बात वगैरह नहीं करते, एकदम सीरियसली गाड़ियों को खरीदते हैं। तो गाइस मैं काफी ज्यादा समय से गाड़ियों को परचेज कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो मैंने कितने सारे गाड़ियों को परचेज किया है, और आप पैसे भी देख सकते हो लगभग मैंने $15 million को स्पेंड किया है। अभी भी $15 million के करीब खर्च करना बाकी है। वैसे तो मेरे को आज पता चला कि पैसों को खर्च करना भी उतना आसान नहीं होता, ये भी बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ऐसा नहीं कि एकदम अपने पास पैसे है तो हम अंधाधुन खर्च कर सकते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा समय लगने वाला, ये आज मेरे को पता चला इस गेम की वजह से। मतलब बहुत ही ज्यादा समय से मैं खेल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, सुपर गाड़ियां मिलने में समय लगता है, और ऊपर से हम 12 बजे से पहले सो भी नहीं सकते, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा समय लग चुका है। अभी भी मैं गाड़ियों को परचेज कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बस एक ही चीज ये है कि कल वीडियो नहीं आएगा। अगर मेरे को कल वीडियो अपलोड करना है तो अभी मेरे को वीडियो को एंड करना पड़ेगा, तब मैं कल वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी खत्म करने वाला हूँ, इसका दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट में पूरा $15 million को भी खर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम लोगों ने अच्छे से लाइक कर दिया ना तो और भी जल्दी ये वीडियो आ जाएगा। और एक बात मेरे को ये बोलना कि पिछले वीडियो में ना मेरे को बहुत ही सारे लोग काफ़ी सारे चैलेंजेस दिए हैं, देखो उतने सारे चैलेंजेस को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा, तो धीरे धीरे उनको मैं कंप्लीट करूंगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगले वीडियो में ही कंप्लीट कर दो, भाई इतना आसान नहीं होता भाई, खेलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा समय, तो इतना जल्दी मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, कंप्लीट करूंगा जरूर लेकिन थोड़ी सी समय लगेगा। और एक और बात मुझे नीचे कमेंट कर बताओ कि तुमको हर दिन वीडियो चाहिए या फिर तुमको एक बढ़िया वाली वीडियो चाहिए, मतलब जो तुम चैलेंजेस दे रहे हो ना उसे कंप्लीट करने वाली वीडियो चाहिए, मतलब लेट भी हो तो भी चलेगा, या फिर तुम्हें हर दिन वीडियो चाहिए, मुझे नीचे कमेंट कर बताओ। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, तो अगर पसंद आए तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मत।